हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्या हम क्या गुरु नीति के में आज क्या आईआईटी जेई का टॉपिक क्या है, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माई सेल्फ कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। सो नेक्स्ट सर। एंड माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो अपन आज सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन एन एपी विथ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ए एंड डी बोथ आर नॉन जीरो, डी रेशियो लैम्डा ऑफ the sum of the first n terms to the sum of n terms succeeding them does not depends on n, then ratio a upon d and lambda respectively। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें लैम्डा का मीनिंग क्या बोला गया है कि ap की फर्स्ट n टर्म का सम और नेक्स्ट n टर्म के समेशन का जो रेशियो है वो आपका n से इंडिपेंडेंट है। तो आपको a upon d और lambda की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो कैसे ट्राई करोगे। क्वेश्चन में लैम्डा का मीनिंग है, लैम्डा इक्वल टू एस एन अपॉन एस टू एन माइनस एस एन। एस एन का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एन प्लस वन से टू एन टर्म की टर्म का समेशन होगा। तो इससे आ गया लैम्डा इक्वल टू एस एन का मीनिंग एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अपॉन एस टू एन का मीनिंग टू एन बाई टू टू एन बाई टू अगेन टू ए प्लस, इस बार नंबर ऑफ टर्म क्या लगोगे, टू एन माइनस वन इन टू डी और लास्ट में आ गया माइनस एन बाई टू ब्रैकेट में अगेन टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब जो ये आपका एक्सप्रेशन है दिस अपॉन दिस, ये क्या होना चाहिए, एन से इंडिपेंडेंट। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो लैम्डा इक्वल टू देखो आप सभी एन बाई टू और ये एन बाई टू, तो डिनोमीटर में एन बाई टू कॉमन आके इस एन बाई टू को क्या कर देगा, कैंसिल। तो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी अपॉन ये एन बाई टू कैंसिल। तो एक काम करो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आ गया 2a इंटू टू 4a प्लस, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ गया 4n माइनस 2 इन टू डी और ये एन बाई टू कैंसिल। तो इसको अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2a और माइनस एन माइनस वन इन टू डी, ये आपका फाइनल आ गया। अब इसको थोड़ा प्रॉपर सॉल्व करके आपको देखना है कि एन से इंडिपेंडेंट के लिए ए और डी में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो लैम्डा इक्वल टू, इसको तो सॉल्व कर दो आप, तो टू ए प्लस एन डी माइनस डी अपॉन, इधर देखिए सभी ये क्या है, फोर ए, फोर ए माइनस टू ए इज टू ए और ये 4nd और माइनस nd, तो 4nd माइनस nd इज प्लस 3nd और लास्ट आ गया माइनस 2d और माइनस माइनस प्लस d, तो माइनस 2d और प्लस d इज माइनस kd। अब आपको इसको n से इंडिपेंडेंट में फाइंड आउट करना है। तो देखो इधर आओ सभी, इसको आप लिख सकते हो 2a माइनस डी प्लस एन डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस 3nd। तो इसमें आपको इसको n से इंडिपेंडेंट के लिए टू ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो क्या, देखो आप अगर d को जीरो लेट कर दो तो न्यूमेटर डिनोमेटर से n आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। बट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि d इज नॉन जीरो, क्वेश्चन में बोला गया कि डी को आप क्या नहीं ले सकते जीरो, तो इस ऑप्शन को तो लेना नहीं है आपको। तो फिर क्या करोगे, इसको एन से इंडिपेंडेंट लाना है, तो दिस पार्ट इज बिकम जीरो। इस टू ए माइनस डी को अगर आप जीरो लेट करते हो तो एन डी अपॉन थ्री एन डी, तो एन से एन कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो लैम्डा आ गया वन बाई थ्री। तो दिस लैम्डा इक्वल टू दिस पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन वेन टू ए माइनस डी इक्वल टू जीरो, देन
a इक्वल टू आ गया d बाई टू, और 2a माइनस d को जब जीरो पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, nd अपॉन 3nd, और nd से nd कैंसिल तो लैम्डा आ गया 1 बाई 3। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, a अपॉन d की वैल्यू क्या होगी, तो d को इसके डिवाइड में लेके आओगे तो a अपॉन d क्या आ गया 1 बाई 2, और लैम्डा क्या आ गया 1 बाई 3। तो d आपका a अपॉन d 1 बाई 2 है और लैम्डा आपका 1 बाई 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें इफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a माइनस 2b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड a b c आर नॉट इन ap देन, तो इसमें क्वेश्चन में ये एक आपको रिलेशन दे रखा है और इसमें आपको ये बोला हुआ है कि a b c किस में नहीं है, ap में नहीं है, ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन सही आएगा। तो देखें फिर इस क्वेश्चन को, पहले इस रिलेशन को ही लेके चलना है, तो इस रिलेशन से ही अपने को इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, इसको यूज करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें देखो मैं a 1 upon a plus 1 upon c को इसको एक साथ ले लेता हूं, 1 upon a plus 1 upon c plus 1 upon a minus 2b plus 1 upon c minus 2b equal to 0 इस फॉर्म में। तो अब इसमें देखो a plus c upon ac, इसका एलसीएम ले लिया, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास में, a plus c minus 4b upon a minus 2b c माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, तो इसमें a प्लस सी को अपने टी पुट कर लेते हैं, तो पुट a प्लस सी इज इक्वल टू टी, तो ये टी अपॉन ए सी प्लस टी माइनस फोर बी, इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस सी माइनस टू बी ए प्लस सी प्लस फोर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में आ रहा ये सर एसी हो सर एसी 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 टी हाँ ये एसी आएगा यहां सो माइनस, तो इसको भी अपने टी पुट कर ले, तो देखो टी अपॉन एसी तो ये प्लस टी माइनस फोर बी अपॉन एसी माइनस टू बी टू बी टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसका एलसीएम ले लेते, सो दैट विल बी एसीटी टी एसी माइनस टू बी टी प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस प्लस एसीटी माइनस फोर एबीसी एबीसी इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो इसको अपने क्या थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेते हैं, इसके जो फैक्टर हो जाएंगे तो फैक्टर वो सिंपल फॉर्म में बनेंगे, तो देखो एसीटी ये टू एसीटी ये टू आ जाएगा, टू एसीटी माइनस टू बी टी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी माइनस फोर एबीसी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए अपने इसमें से इसको देखो यहां से क्या कॉमन है इसमें से, तो इसमें से अपने पास में क्या है, इसमें टू फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन वो तो चलो इसमें इसको और इसको ले लेते हैं अपने, तो इसमें क्या आएगा 2ac कॉमन, तो यहां से आपके पास में तो t माइनस तो ये 2b माइनस b माइनस 2b माइनस 2b इस फॉर्म में आएगा, तो ऐसे इसमें बनेगा आपके पास में देखो यहां से क्या 2bt कॉमन ले लेते हैं माइनस 2bt तो ये आपके पास में t माइनस 2b इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। तो ये ac माइनस bt is equal to 0 और सेकेंड वन t is equal to 2b। तो अब अपने को ये क्वेश्चन में ये दे रखा है, इससे तो आपको abc किस में मिलेगा ap में मिलेगा, तो ये रिलेशन तो आपको लेना नहीं है, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्टेड। तो इसमें देखिए आप ac is equal to तो t की वैल्यू डाल दें, तो t की वैल्यू आपके पास में क्या है a plus c equal to 0, तो ये आपके पास में ac upon a plus c इज इक्वल टू बी
तो इसको 2ac अपॉन a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, क्लियर है। तो अब आपके तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, सो a 2b c r in hb, क्लियर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो ये आपके पास में ऑप्शन इसका कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब इसमें देखो एक इसमें शॉर्टकट भी है भाई, स्टूडेंट क्या है एचपी में, ये आपको देखो इसमें जीपी का दे रखा है, तो जीपी में तीन नंबर लेट कर लो आपको, 248 लेट कर लिया, ठीक है। तो 248 आपके जीपी में है, वो 248 इसमें रख के देखो, अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को तो देन दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक है। या फिर आप क्या है इसमें ए बी अपॉन टू सी, तो जैसे आप क्या है एपी लेट कर लो 246, तो बी की वैल्यू यहां पे आपके पास है बी अपॉन टू इज इक्वल टू 4, तो बी इज इक्वल टू 8 आएगा, तो ए और सी की वैल्यू हमें पता है, तो वो इसमें डालो, ठीक है। अगर वो जीरो होता है तो देन दिस आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे ही फिर आपके पास में एसपी में लेट करना है, तो आपको ये पता है ना अगर कोई तीन नंबर्स क्या है, जैसे ये जीपी में है तो बीच वाले नंबर को क्या है तीनों में ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा आपके पास में 6, 8 एंड 12, तो ये एचपी में आ गए, दे आर इन एचपी, क्लियर है। तो ये एचपी में हो गया, तो अब इन तीनों नंबर्स को आप क्या है इसमें इसके कंपेयर कर लो, तो 2b किसके इक्वल आएगा आपके पास में, b इज इक्वल टू 4k, a किसके इक्वल हो गया 6k और c इज इक्वल टू 12, ये वैल्यूज आप इसमें डालो, दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्लियर है। तो इसको ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया इसका, ठीक है, वो मैंने प्रॉपर बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया मैंने, इफ ए ऑफ आई बिलोंग्स टू आर एंड ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री आर इन ए पी एंड ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए फोर आर इन जी पी एंड ए थ्री कोमा ए फोर एंड ए फाइव आर इन एच पी। ए वन ए टू ए थ्री आपके ए पी में है, ए टू ए थ्री ए फोर आपके जी पी में है और ए थ्री ए फोर ए फाइव आपके एच पी में है, देन आपको ए वन माइनस ए थ्री अपॉन ए थ्री माइनस ए फाइव की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो कैसे ट्राई करोगे, क्वेश्चन में मेंशन है आपका ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री बेटा एपी में है, तो एपी की कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए टू इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन गिवन है आपको ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए फोर आर एन जीपी, तो जीपी की कंडीशन क्या होगी, ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू ए टू ए फोर ए टू ए फोर ए टू ए फोर, यह आपकी जीपी की कंडीशन है। और लास्ट बोला गया है ए थ्री कोमा ए फोर कोमा ए फाइव इन एच पी, तो एबीसी आपके एच पी में हो तो आप क्या लिख सकते हो, टू अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया टू अपॉन ए फोर इक्वल टू वन अपॉन ए थ्री प्लस वन अपॉन ए फाइव। तो ये आपके पास टोटल थ्री रिलेशन है, इनको सोल्व करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए वन माइनस ए थ्री अपॉन ए थ्री माइनस ए फाइव की वैल्यू क्या हो सकती है। और जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो आंसर किस फॉर्म में है, ए वन अपॉन ए थ्री, ए थ्री अपॉन ए वन, ए फाइव अपॉन ए वन एंड वन आंसर है, ठीक है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे इसको, ये जो रिलेशन है अपन इसको यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो इधर आओ, इसमें आपको ए टू अपॉन ए फोर है ना, और जो ऑप्शन है उसमें ओनली ए वन ए थ्री और ए फाइव का रोल है, तो अपन सबसे पहले इसमें से ए फोर को एलिमिनेट करते हैं, तो ए फोर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपन, ए थ्री स्क्वायर अपॉन ए टू। इसमें जब आप ए फोर की वैल्यू पुट करोगे ए थ्री स्क्वायर अपॉन ए टू, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा आपका, टू ए टू अपॉन ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए थ्री प्लस वन अपॉन ए फाइव। इसके बाद अब क्या करना है, जो आपके ऑप्शन है उसमें ए टू भी नहीं है तो आप अगेन ए टू को एलिमिनेट करो, तो देखो टू ए टू की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपन, ए वन प्लस ए थ्री, तो ये आ गया ए वन प्लस ए थ्री अपॉन ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए फाइव। ए वन प्लस ए थ्री को आप ए थ्री स्क्वायर से सेपरेट डिवाइड करें, तो क्या आ गया ए वन अपॉन ए थ्री स्क्वायर, और इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी ए थ्री अपॉन ए थ्री स्क्वायर, तो ए थ्री से ए थ्री कैंसिल करोगे तो क्या गया प्लस वन अपॉन ए थ्री, ये सॉरी ए थ्री था आपका, तो प्लस वन अपॉन ए थ्री
और राइट में भी आपका 1 अपॉन a3 है, तो 1 अपॉन a3 से 1 अपॉन a3 कैंसिल आउट, तो फाइनली आ गया इक्वल टू 1 अपॉन a5। अब इसमें क्या करो आप, ये जो a3 स्क्वायर है इसमें से एक a3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप एक a3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उससे एक रिलेशन आ गया a3 अपॉन a5। क्या किया मैंने, a3 स्क्वायर में से एक a3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो a1 अपॉन a3 और a3 अपॉन a5 इन दोनों का रेशियो सेम है, इसको आप लेट कर दो लैम्डा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें एक काम करो आप, न्यूमेटर में आप कॉमन लो a1, जब न्यूमेटर में a1 कॉमन लोगे तो ये आ गया 1 माइनस a3 अपॉन a1 अपॉन, डिनोमिनेटर में जब आप a3 कॉमन लोगे तो ये क्या आ गया अगेन 1 माइनस a5 अपॉन a3। अब देखो इधर आओ, a1 अपॉन a3 लैम्डा है तो बेटा a3 अपॉन a1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा, तो ये क्या जाएगा देखो a1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय लैम्डा अपॉन a3 ब्रैकेट में a5 अपॉन a3 की वैल्यू भी क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस 1 बाय लैम्डा, और कैंसिल 1 माइनस 1 बाय लैम्डा से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो उसको सॉल्व करने पे इसका फाइनल आंसर आ गया a1 अपॉन a3। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो आप कौन सा ऑप्शन होगा a1 अपॉन a3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखें, अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 देन अनरूट x2 + x + tan2 अल्फा अपॉन अनरूट x2 + x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आपको इसकी वैल्यू ये बतानी कि ये किसके बराबर और किससे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें tan स्क्वायर अल्फा ये पॉजिटिव है, तो देखो अल्फा क्या है इसमें आपके पास में कहां से कहां 0 से पाई बाय 2, वैसे भी ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, और इसमें जब अपने एमजीएम का इसमें देखो आपको एमजीएम का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो एमजीएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसमें देखो इन ये दो क्वांटिटीज है यहां पे, इनका दोनों का अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा होगा, वो इसके जीएम से बड़ा और उसके बराबर होगा, सो अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो अब देखें अपने इसको किस फॉर्म में, सो अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, ये दो क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब आपके पास में अंडरूट में टेन स्क्वायर अल्फा है तो मॉडुलस टेन अल्फा आएगा, बट अल्फा बिलोंग्स टू यार 0 से पाई बाय 2 है, तो वो मॉडुलस टेन अल्फा क्या रहेगा आपके पास में पॉजिटिव आएगा टेन अल्फा आएगा, तो फिर क्या आएगा इसका अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टेन अल्फा, तो ये मैंने मॉडुलस नहीं लगाया, समझ गए होंगे आप, मॉडुलस ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। व्हाई ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा 0 से पाई बाय 2 है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉडुलस के अंदर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास में 2 टेन अल्फा से बड़ी और उसके बराबर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज का फर्स्ट 10 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो आप ये सीरीज नाइदर एपी नॉर जीपी एंड नाइदर एजीपी, तो आप क्या करोगे सबसे पहले इसकी टीएन टर्म लिखने की ट्राई करोगे, तो देखो इधर आओ, तो इसकी टीएन टर्म के लिए क्या करना है, टीएन इक्वल टू टीएन का मीनिंग समेशन की फॉर्म में, तो सिग्मा न्यूमेटर में फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकेंड में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, थर्ड में 3 क्यूब तक है, तो nth टर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, मतलब n क्यूब क्यों लिखा है अपन ने, सिग्मा को चलो बाद में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, एक बार tn टर्म लिखते हैं पहले, और अपॉन में क्या रहा, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड में 1 प्लस 3 है, थर्ड में 1 प्लस 3 प्लस 5 है, तो इसका मीनिंग है कि ये और टर्म का समेशन है, तो ये जाएगा 1 प्लस
थ्री प्लस फाइव, ये अप टू एन टर्म्स तक की बात है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। टीएन क्या आ गया देखो, न्यूमेरेटर में क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा, एन ऑफ एन प्लस वन वाई टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका फर्स्ट ऑड नंबर के स्क्वायर का सम डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आएगा बेटा एन स्क्वायर। तो देखो जब स्क्वायरिंग ओपन करोगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनली टीएन आ गया एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। तो इससे क्या आ गया बोलो, टीएन इक्वल टू वन बाई फोर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आपका nth टर्म आ गया आपको। और जब भी किसी सीक्वेंस की आपको nth टर्म पता हो तो समेशन क्या होगा, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। nth टर्म का समेशन होगा Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। और Tn में n की वैल्यू कहां से लोगे, 1 से लेके 10 तक। क्यों, क्योंकि n को 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको, 2 लेने पे सेकंड टर्म, और 10 क्यों लिखना है, क्योंकि आपको 10 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या आ गया, इस पे लिख सकते हो आप n इक्वल टू 1 से 10। तो आप लिख सकते हो Sn इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 1 बाई 4, और दिस इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो आपको स्क्वायर को ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें n की वैल्यू पुट करो। तो जब n को 1 लोगे तो क्या आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 पुट करने पे 11 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो देखो इसमें एक काम करो, आप स्टार्टिंग में 1 स्क्वायर ऐड कर दो और राइट लास्ट में 1 स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। 1 स्क्वायर ऐड किया स्टार्टिंग में और लास्ट में 1 स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये डायरेक्ट आपका बन चुका है 1 से लेके 11 की स्क्वायर का समेशन। तो सबसे पहले अपन ने Tn फाइंड आउट किया, तो Tn आ गया, Sn का फॉर्मूला यूज करो। अब इसको देखो अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद देखो क्या आ गया, Sn इक्वल टू 1 बाई 4 ब्रैकेट 1 से 11 के 1 से लेके 11 के स्क्वायर के समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6, और n को पुट करना आपको 11। तो 11 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन 6 माइनस 1। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1 बाई 4 इंटू 505, ये आ गया ठीक है। और बाद में इसको 4 अपॉन 101 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आ गया 4 अपॉन 101 इंटू Sn की वैल्यू, तो 505 अपॉन 4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल और 505 अपॉन 101, तो क्या आ गया इससे इक्वल टू 5। तो इस सीरीज का आंसर क्या आएगा बोलो, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A401 इज एन AP such that the 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 and so on upon 1 upon A4000 into A4001 is equal to 10। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपको, 10 के इक्वल दे रखी है। फिर इसमें देखो A2 plus A4000 is equal to 50। तो इस दोनों रिलेशन को अपने को यूज करना है, तो फिर किसकी वैल्यू पूछी है, मॉडुलस ऑफ A1 माइनस A4001 is equal to, ये किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये AP में दे रखे हैं सभी, और ये आपको एक रिलेशन दे रखा है बेटा ठीक है, और फिर इसमें आपको एक ये कंडीशन और दे रखी है। तो AP में आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी भी, शुरू से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस के टर्म जो होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है ठीक है। तो इन एन एपी द सम ऑफ द इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहां पे आपके पास में देखो फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे A1 है और लास्ट टर्म क्या है A4001 है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, ये आपके पास में सेकंड टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है, तो इन दोनों का सम इनके बराबर हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो पहले तो हमारे पास में ये आ गया, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा इसमें, तो A2 प्लस
ए 4000 इज इक्वल टू ए 1 प्लस ए 4001 इज इक्वल टू 50। ये रिलेशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखें, अब इस रिलेशन को ले लेते हैं, तो यहां से आपके पास में 1 अपॉन ए 1 ए 2 प्लस 1 अपॉन ए 2 ए 3 एंड सो ऑन, 1 अपॉन ए 4000 ए 4001 इक्वल टू 10। अब देखो मैं इसमें यहां पे क्या करता हूं, देखो इसका कॉमन डिफरेंस अपने सपोज कर लेते हैं क्या डी है, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है उनका डी है, तो मैं इसको डी से मल्टीप्लाई करूंगा, डी से डिवाइड कर देता हूं। तो देखो आपके पास में 1 अपॉन डी, तो डी ए 1 ए 2 डी अपॉन ए 2 ए 3 एंड सो ऑन, डी अपॉन ए 4000 ए 4001 इज इक्वल टू 10। तो ये कॉमन डिफरेंस है, दिस इज ए 2 माइनस ए 1 ए 3 माइनस ए 2, क्लियर है। इस तरीके से इन सबको लिख लेंगे, तो यहां पे 1 अपॉन डी, तो इसको ए 2 माइनस ए 1 अपॉन ए 1 ए 2 एंड ए 3 माइनस ए 2 अपॉन ए 2 ए 3, लास्ट में यहां पे ए 4001 माइनस ए 4000 अपॉन ए 4000 ए 4001 इज इक्वल टू 10, क्लियर। तो अब इसमें देखो आपके पास में इसको जब अलग अलग करोगे यहां पे, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन डी, तो ये आपके पास में क्या आएगा यहां पे 1 अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन ए 2 प्लस 1 अपॉन ए 2 माइनस 1 अपॉन ए 3, ये कंटिन्यू रहेगा इससे, फिर आपके पास में 1 अपॉन ए 4000 ए 4000 माइनस 1 अपॉन ए 4001 इज इक्वल टू 10। तो इसमें ये जो टर्म्स हैं, ये बीच वाले जो सारे टर्म है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास में देखो 1 अपॉन डी, तो 1 अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन ए 4001 इस तरीके से आ गया इक्वल टू 10। अब अपने इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखो 1 अपॉन डी, तो ये ए 4001 माइनस ए 1 अपॉन ए 1 ए 4001 इज इक्वल टू 10। अब ए 4001 किसके इक्वल है आपके पास में, ए 4001, तो ये देखें अभी इधर 1 अपॉन डी ए 1 प्लस 4000 डी माइनस ए 1 अपॉन में ए 1 ए 4001 इज इक्वल टू 10। यहां से ये ए 1 से ए 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी से डी कैंसिल होगा, क्लियर है। तो अब इधर आपके पास में ये क्या आ गया, इसका 10 ये 400 इज इक्वल टू ए 1 ए 4001। अब अपने हमारे पास में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन दे रखा है आपको, ए 1 प्लस ई मैंने निकाला था, ए 1 प्लस ए 4001 इज इक्वल टू 50। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ए 4001 की वैल्यू निकाल लेता हूं, ए 4001 इज इक्वल टू 400 अपॉन ए 1, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अपने यहां पे। तो इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए 1 प्लस 400 400 अपॉन ए 1 इज इक्वल टू 50, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए की ए 1 की वैल्यू क्या आएगी, क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, ए 1 स्क्वायर माइनस 50 ए 1 प्लस 400 इक्वल टू 0, सो ए 1 इज इक्वल टू 40 और 10, ये वैल्यूज आएंगी। तो अब इसमें ए 1 की वैल्यू यहां पे डालोगे, देखो 40 डालोगे तो ए 4001 विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 10 के। अगर 10 डालोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपके पास में अगर आप एक ये कंबिनेशन लेते हो कौन सा, 40 और 10 का, क्लियर। तो द मॉडुलस डिफरेंस, उनका डिफरेंस का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 30। तो मैं अगर इसमें देखो a1 इज इक्वल टू कितना, 40, सो यहां से आपके पास में a 4001 विल बी इक्वल टू 10। सो व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ देयर डिफरेंस, इसके इक्वल आएगा 30 के। तो ये आंसर आएगा, तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2, 1/2² 1/2³ 1/2 की पावर 10 इज लैम्डा अपॉन 2 की पावर 10 माइनस 1। आपको ये जो
10 नंबर्स हैं, इनका हार्मोनिक मीन गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे लेट 2 नंबर्स हैं आपके, तो 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। 3 नंबर का क्या लिखोगे, 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो सिमिलरली 10 नंबर्स हैं, तो 10 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 10 अपॉन 1 अपॉन ए। तो डिनोमिनेटर में इसका क्या लिखना, रेसिप्रोकल, तो 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा सेकेंड का, अगले का आ गया 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट का आ गया रेसिप्रोकल 2 की पावर 10। ये वैल्यू आपको गिवन है लैम्डा अपॉन 2 की पावर 10 माइनस 1 के इक्विवेलेंट। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ये फर्स्ट 10 टर्म की जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला यूज करो आप, 10 अपॉन ए का मीनिंग 2, आर का मीनिंग क्या इसमें 2, और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या है इसकी 10, माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा आर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो दिस अपॉन 1 इज दिस पार्ट आ गया, और ये वैल्यू आपको गिवन है इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 की पावर 10 और माइनस के 1। तो देखो इधर आओ, लेफ्ट साइड में 2 की पावर 10 माइनस 1, इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 10 अपॉन 2 इज 5, तो लैम्डा इक्वल टू 5, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बोलो 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो ये एक स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें देखें, इट इज गिवन दैट द 1 अपॉन 1 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेश्यो 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी इज इक्वल टू पाई रेश्यो 4 अपॉन 19, ये आपको गिवन है, इसी को आपने यूज करते हुए बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देखें फिर इस रिलेशन को मैं लेता हूं, तो 1 अपॉन 1 रेश्यो 4, 1 अपॉन 2 रेश्यो 4, 1 अपॉन 3 रेश्यो 4, 1 अपॉन 4 रेश्यो 4, 1 अपॉन 5 रेश्यो 4 एंड सो ऑन इक्वल टू अप टू इन्फिनिटी तक है ना, तो पाई रेश्यो 4 अपॉन 19 इस तरीके से बेटा। अब मेरे को देखो किसकी वैल्यू चाहिए, यहां पे ये नीचे इनके डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स की पावर कितनी आपके पास में 4 है, तो यहां से आप क्या करोगे ऑड वाले जो है बेटा, तो 1 अपॉन 1 रेश्यो 4, 1 अपॉन 3 रेश्यो 4, 1 अपॉन 5 रेश्यो 4, इनको क्या अलग कर लो, तो देखो क्या आएगा आपके पास में, अप टू इनफिनिटी क्लियर प्लस। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो इवन वाले थे जिनकी 1 अपॉन जिनकी इवन पावर मतलब इवन नंबर है उनकी पावर 4 है, उनको अलग लिख लो यहां पे, सो 1 अपॉन 2 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 4 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 6 रेश्यो 4 अप टू इनफिनिटी दिस इज इक्वल टू पाई रेश्यो 4 अपॉन 9। अब मैं देखो इसमें क्या करता हूं, इस रिलेशन में ये जो ब्रैकेट है इधर इनके डिनोमिनेटर में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, जब 2 कॉमन यहां से लेंगे तो 2 रेश्यो 4 आएगा, इसमें से भी 2 रेश्यो 4 आएगा, तो इसमें से भी 2 रेश्यो 4 आएगा, जब इसमें से 2 रेश्यो 4 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, क्या रह जाएगा 2 रेश्यो 4, यहां पे क्या रहेगा 3 रेश्यो 4 रहेगा, तो ऐसे फिर आपके पास में नेक्स्ट वाले में क्या आएगा आपके पास में, जैसे 8 होगा तो उसमें से भी आप निकालेंगे तो क्या आएगा वो 4 रेश्यो 4 आ जाएगा, तो यहां से ये 1 अपॉन 1 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 5 रेश्यो 4 अप टू इनफिनिटी, तो यहां से 1 अपॉन 2 रेश्यो 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेश्यो 4, ठीक है, इसको 1 रेश्यो 4 लिख सकते हैं, 1 रेश्यो 4 1 ही होता है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 रेश्यो 4, इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से, तो ये आपके पास में किसके इक्वल था पाई स्क्वायर अपॉन 19 पाई रेश्यो 4 अपॉन 19 इसकी यहां पे रखेंगे, तो ये अपने पास में यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है पाई रेश्यो 4 अपॉन 19 इज इक्वल टू पाई रेश्यो 4 अपॉन 19, तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेश्यो 4 प्लस 1 अपॉन 5 रेश्यो 4 सो अप टू इनफिनिटी ये वाला थे, तो इसको दूसरी तरफ ले गए तो पाई रेश्यो 4 अपॉन 90 ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 16, ठीक है, तो ये आपके पास में पाई रेश्यो 4 अपॉन 90 इंटू ये 15 अपॉन 16, सो दिस विल बी
सो आपके पास में 6, तो पाई रेशो 4 अपॉन 96, तो आंसर टू दिस सीरीज इज पाई रेशो 4 अपॉन 96 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया देखो, इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा स्मॉल एन ग्रेटर देन 25, लेट ए कॉमा जी कॉमा एच डिनोट्स दी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 25 एंड एन। टू नंबर है आपके 25 और एन, इनके ए एम जी एम और एच एम की वैल्यू आपको ए एम जी एम एच एम लेट करने ए जी एच, और बाद में क्या बोला गया है, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच AGH belongs to 25, 26 dot 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 n, मतलब आपको n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है और AGH की वैल्यू 25, 26 अप टू n में से कुछ भी लेट कर सकते हो। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, टू नंबर है आपके 25 और n, तो a का मीनिंग क्या आएगा बोलो, a प्लस b बाई टू, तो 25 प्लस n बाई टू, और g क्या आएगा टू नंबर का रूट ए भी, तो 25 इंटू n का रूट 5 रूट n आ गया, और इनका एच एम क्या होगा, एच इक्वल टू टू ए बी, टू ए बी आ गया 50 n अपॉन 25 प्लस n। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको n की लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इधर आओ, क्वेश्चन में AGH को इंटीजर बोला गया 25 से ग्रेटर, ये 25 26 सारे क्या इंटीजर नंबर है, तो देखो इधर आओ, a आपका इंटीजर है और अपॉन में 2 आ रहा है, तो न्यूमेरेटर में कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, तो 25 ऑड है तो n नंबर आपका क्या होगा ऑड, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन अपॉन 2 इज इवन, तो ये इंटीजर जाएगा आपका ये। तो इस से क्या पता चला, a से कि n आपका ऑड नंबर होना चाहिए, और जो ज्योमेट्रिक मीन है उससे क्या रिजल्ट मिला कि g आपका इंटीजर है, तो रूट क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए ना, तो n क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो इन दोनों से आपको रिजल्ट मिल गया कि n इज इंटीजर एंड a सॉरी n इज ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, n आपका ऑड होगा और उसका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, और h को भी आपको क्या लेके आना है बेटा इंटीजर। तो देखो कैसे करना है, AGH आपके 25 से ग्रेटर है तो AGH को 25, 26 इनमें से कुछ भी ले सकते हैं ना, तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन में आपको जो 4 ऑप्शन गिवन है ये सारे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप 1/1 जाओ, n की वैल्यू 49, 81, 169 और 225 को इस h के अंदर पुट करोगे n की वैल्यू को, तो n को 49 पुट करोगे तो h इज नॉट इंटीजर, ऐसे 81 और 169 की वैल्यू पुट करोगे n की, तो उस केस में भी h आपका क्या होगा नॉन इंटीजर, और जब n की वैल्यू आप 225 पुट करोगे तो उस केस में जो h होगा वो बेटा आपका इंटीजर होगा, तो इसमें लीस्ट वैल्यू पूछिए, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी 225, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी सो दैट द 6 ए बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू। अब आपके पास में ये क्या है, ए बी के धनात्मक पूर्णांकीय क्रमित युग्मों की संख्या पूछी है, ठीक है, इसके ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे जिसमें ए और बी दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ठीक है, और जिसके लिए आपके पास में 6 ए बी किसमें ऋणात्मक श्रेणी में है, तो अब अपने पास में जब ये ऋणात्मक श्रेणी में है तो देखें इसका सॉल्यूशन, तो ये 6 ए बी किसमें है एच पी में है, तो 6 ए बी आर इन एच पी, तो इसको फिर आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू यहां पे आपके पास में 12 बी अपॉन यहां पे क्या आएगा 6 प्लस बी, इस फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 6 ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 12 बी, यहां पे आपके पास में 6 ए इज इक्वल टू ये इसको अपने को उधर ले जाते हैं तो 12 माइनस ए इंटू बी बी। अब देखो अपने को ये पता है ना इसमें ए बी क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, तो यहां पर आप ए की मैक्सिमम वैल्यू देखो आपने कितनी डाल सकते हो 11 डाल सकते हो, ठीक है, तो 11 से आगे जा नहीं सकते, अगर आप 11 से आगे चले गए तो यहां पर आपने अगर सपोज करो 13 डाला तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, वो लेना नहीं है अपने को, तो यहां से आप क्या करोगे ए की वैल्यू कहां से शुरू करोगे 1 से शुरू करोगे, ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 डालो 2 डालो 3 डालो कहां तक डालना है अपने को, तो 11 तक रखना है, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू निकाल लो,
तो वो कितने आपके पास में बी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। तो जब इसमें देखो आप ए की वैल्यू जब 1, 2, 3 यहां से 11 ये रखोगे तो आपके पास में ए इज इक्वल टू 1 डाला तो कितना आया 11 आएगा, तो इधर 6 है तो 6/11 इज नॉट ए, तो ये नहीं लेना ठीक है। जब 2 डालेंगे तो यहां पे कितना आएगा आपके पास में 10 आएगा, तो इधर कितना है 12, तो 12/10 वो भी इंटीजर नहीं है, ये भी नहीं लेना। तो इस तरीके से आप चेक करके इसको 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9, तो ये आ रहा है। तो बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3 रखा यहां पे तो इधर बन गया 9, तो इधर 18, ये 2, बी इज इक्वल टू 2, एक सेट ये बन गया। तो इस तरीके से अपने अगर इसको निकालते जाते हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर को तो आपको 7 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो यहां पे अगर ए इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो 8 आएगा ठीक है, तो 8 यहां पे कितना हुआ 24 हो गया, तो बी ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3, क्लियर है। तो ऐसे ये सारे के सारे वैल्यूज अपने निकाल लो तो ये आपके पास में 7 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, यू विल गेट हियर 7 ऑर्डर्ड पेयर, वेरी सिंपल। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना इतनी, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालते जाओ तो ये आपके पास में जैसे ये 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 11 जब रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये कितना हुआ 66, बी 66 इज क्या है पॉजिटिव इंटीजर हो गया, क्लियर। तो करेक्ट आंसर इज 7। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ 3 पॉजिटिव रियल नंबर सेट, if three positive real distinct numbers a b c are in ap, three distinct number given है आपको a b c, और वो a b c किसमें बेटा a b ap में, तो a b c आपके ap में, तो condition क्या लिख सकते हैं 2b equal to a plus c, और क्या mention है कि जो a b c का multiply है ये आपको given है 8, तो आपको then value of b can be, b की value क्या हो सकती है, can be लिखा हुआ है, इसका meaning है कि आपको पहले b का इंटरवल चेक करना है। तो देखो इधर आओ, एबीसी इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक काम करें आप जो एबीसी 3 नंबर है इसमें आप यूज करो एएम कर दें जीएम, क्यों, क्योंकि एबीसी का जो जीएम है वो क्या होगा एबीसी की पावर 1/3 और आपको एबीसी का मल्टीप्लाई गिवन है, तो एएम टू क्या आ गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी की पावर 1/3। अब इसमें आप एबीसी को तो पुट करो 8, तो एबीसी को 8 लोगे तो 8 की पावर 1/3 क्या होगा 2, तो ये तो आ गया 2, एबीसी की वैल्यू 8 पुट करोगे तो क्या आ गया 2, और इधर देखो a प्लस सी कितना है 2b, तो a प्लस सी को 2b लोगे तो 2b प्लस b 3b/3 कितना आ गया बोलो b, इसमें आपने a प्लस सी को पुट किया 2b, तो 2b प्लस b 3b/3 b ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी की वैल्यू 8 थी तो आ गया 2, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया b ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो इसमें ऑप्शन में आपके पास 2 और 2 से ग्रेटर 2 ऑप्शन है 4 एंड 2, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या लग रहा है कि आंसर 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू का मीनिंग क्या है, कि आपने एएम इक्वल टू जीएम कंसीडर किया है, और एएम की वैल्यू जीएम की इक्वल कब हो सकती है व्हेन ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि जो 3 पॉजिटिव नंबर है वो डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब एएम जीएम की इक्वल नहीं हो सकता, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे B ग्रेटर देन आपका 2 होना चाहिए, तो फिर इसको ओनली फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगा बेटा सेटिस्फाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, इसमें द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक, यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग नेगेटिव टर्म्स इज गिवन, सो बाई एस एन, ये एक समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल आपको इस रिलेशन से दिया हुआ है sn is equal to 1 plus 2 tn 1 minus tn, फिर आपको पूछा then the value of t2 square, ठीक है उस t2 square की वैल्यू बतानी है। तो देखो आपके पास में सम ऑफ दी sn टर्म्स क्या दे रखा है 1 plus 2 tn 1 minus tn, तो इसे मैं एन इज इक्वल टू अगर 1 रख देता हूं तो आपके पास में फर्स्ट टर्म एस वन का मतलब क्या हो गया द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो वो तो एक ही टर्म होगा ना सिंगल टर्म, तो यहां पे अगर अपने पास में देखो इसमें एस वन, तो एस वन किसके इक्वल आएगा आपके पास में इसमें, तो एस वन इज इक्वल टू ये किसके फॉर्म में आ गया 1 plus 2 t 1 1 minus t 1, और एस वन को क्या लिखेंगे अपने t1, तो यहां पे t1 लिख देंगे।
तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो देखो क्या माइनस, तो ये वन प्लस टी वन माइनस टी वन स्क्वायर, क्लियर है, इस फॉर्म में आएगा। तो ये कुछ कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो t1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास, 2t1 square, ठीक है। तो ये आपके पास में 1, तो t1 is equal to 1 upon root 2, क्लियर। तो इसमें देखो बट क्वेश्चन में बोला गया है कि नेगेटिव टर्म्स, तो t1 नेगेटिव टर्म्स प्लस माइनस, तो इसमें देखो प्लस माइनस लिखेंगे, तो इसमें नेगेटिव टर्म्स है तो t1 को क्या लेंगे अपने माइनस के बराबर root 2, ये इस तरीके से। तो अब अपने क्या है यहां पे S1 अपने को निकालने किसकी वैल्यू है, Sn की वैल्यू गिवन है ना, तो T2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे मैं n = 2 डालूंगा, तो पुट n = 2, सो n = 2 का मतलब क्या है S2 दैट इज T1 + T2, ठीक है। तो इधर आपके पास में फिर इसको फिर वैसे ही सॉल्व करोगे 2t1 + 2t2 फिर 1 - t2, तो इसको फिर वही सॉल्व करेंगे तो 1 + t2 माइनस टू टी टू स्क्वायर इस फॉर्म में, तो टी वन प्लस वन टी वन प्लस टी टू, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर टू टी स्क्वायर वन माइनस टी वन, तो टी वन की वैल्यू डाल दो, तो ये आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो रूट टू प्लस वन अपॉन, तो इसमें इसकी वैल्यू जब डालेंगे तो अपॉन टू रूट टू, ये तो आंसर टू दिस क्वेश्चन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री डॉट डॉट ए ट्वेंटी वन आर एन एपी, ए वन से ए ट्वेंटी वन आपके एपी में है और टू कंडीशन गिवेन है सच दैट सिग्मा आई इक्वल टू वन से ट्वेंटी वन ए ऑफ आई इक्वल टू 693, मतलब आपको a को i को 1 पुट करोगे तो a1 plus a2 plus a21, a1 से a21 का समीशन गिवन है 693, देन आपको r equal to 0 से 10 a2r plus 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, पहले सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, a1 plus a2 plus a3 dot 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 a21 equal to 693। आप एक काम करो, फर्स्ट टर्म को एलेट करो, कॉमन डिफरेंस को डिलीट करो, तो फर्स्ट 21 टर्म का समीशन क्या होगा, n by 2, मतलब 21 by 2, 2 फर्स्ट टर्म इज a1, तो 2a1 प्लस n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इज 20d इक्वल टू 693। इसमें से देखो अपन 2 कैंसिल कर सकते हैं से, और 21 को 693 से क्या कर सकते हैं बोलो, कैंसिल, तो कितना आएगा बताएं, a1 प्लस 10d इक्वल टू 33, ये आपका a1 प्लस 10d आ गया। अब आपको देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, तो उसमें r को 0 से 10 पुट करें आप, तो r को 0 पुट करने पे आ गया a1 प्लस 1 लेने पे a3 प्लस डॉट डॉट a21, इसका सम आपको क्या करना है फाइंड आउट। तो ये कौन सी टर्म है, ये ऑल टर्म का समेशन है a1 a3, तो देखो a1 का मीनिंग तो a1 ही रखना है आपको, a3 का मीनिंग क्या लिखोगे बोलो, a1 प्लस 2d, a3 का मीनिंग क्या लिखेंगे, a1 प्लस 2d, ऐसे ही जो a5 होगा उसको लिखोगे आप a1 प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में a1 प्लस 20d। अब देखो उसको कैसे अरेंज करना है अपन को, A1, A3, A21, ये टोटल टर्म है आपकी 0 से 10, 11 टर्म है, टोटल कितनी टर्म है 11, तो ये जो A1 है ये कितनी बार ऐड हो रहा है आपका 11 टाइम्स, तो ये आ गया 11 A1 प्लस ये 2D है, ये 4D है, अगले में 60 होगा, लास्ट में 20D है। तो एक काम करो 2D 4D 6D 20D, इसमें कॉमन लो बेटा 2D, तो 2D कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, और इसका मीनिंग है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के समेशन का फॉर्मूला। तो क्या होगा इसका समेशन, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो n को 10 लोगे तो 10 इंटू 11 बाई 2, तो ये आ गया 55। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें आप इसमें, तो 11 a1 प्लस 2d इंटू 55, और देखो ढंग से इन दोनों में बेटा 11 कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप इसमें 11 कॉमन लोगे तो क्या आ गया बताएं, 11 a1 प्लस 10d,
क्या आ गया बोलो 11 प्लस 10D, और A1 प्लस 10D की वैल्यू क्या 33, तो इसका आंसर आ गया 11 इंटू 33, और 11 को जब आप 33 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर जाएगा बेटा 6363, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ विच जीपी इज 5 एंड फर्स्ट टर्म इज एक्स, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका एक्स है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका योगफल कितना 5 है, और प्रथम पद उसका कितना कह रहा है एक्स है, तो मैं इसका सार्वानुपात क्या मान लेता हूं, इसका कॉमन रेशियो मैं आर लेट कर लेता हूं, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा आपके पास में, तो एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस आर, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में एक्स है, तो ये किसके इक्वल दे रखा है आपको 5 के, तो इनफाइनाइट जीपी के लिए आपको पता है कॉमन रेशियो जो होता है वो उसका मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1 रहता है। ठीक है, तो ये माइनस 1 से 1 तक, और आर क्या नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 5 आर इज इक्वल टू एक्स, तो आर की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो यहां से क्या आएगा आपके पास में 5 माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू आर। अब अपने को पता है आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, देखो इसी में ही, अब आर की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक है, तो ये 5 माइनस x अपॉन 5, क्लियर है, तो अब इसमें माइनस 5, ये 5 माइनस x और इधर 5। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -10, तो -x और इधर ये 0 0। ठीक है, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में x वेरीज फ्रॉम 0 टू 10। अब इसमें x क्या 5 के इक्वल नहीं है, वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो x को 5 तो लेना नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, तो आपके पास में 3rd, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन अल्फा एंड कोस अल्फा हैव देयर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू साइन बीटा, साइन अल्फा और कोस अल्फा का जो जीएम है वो साइन बीटा के इक्वल गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ कोस 2 बीटा इज, आपको कोस 2 बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जो ऑप्शंस गिवन है वो आपको अल्फा की टर्म में, मतलब आंसर को अल्फा की टर्म में फाइंड आउट करना है। देखो जरा साइन अल्फा और कोस अल्फा इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, साइन बीटा, तो क्या लिख सकते हैं बोलो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया आपके पास, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा आ गया, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, क्या आ गया बोलो, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, देखें कॉस 2 बीटा, एक काम करो आपके पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू गिवन है, तो कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला साइन की टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, और इसमें साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करो, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करो तो आ गया 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और थोड़ा ढंग से देखो इधर आओ, ये 2ab है ना आपका 2 sin alpha cos alpha, तो 1 को लिखो इधर sin square alpha plus cos square alpha, तो 1 को जब आप sin square alpha plus cos square alpha लिखोगे तो फॉर्मूला बन गया a square plus b square minus 2ab, दिस इज a minus b का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन sin alpha minus cos alpha का होल स्क्वायर, ये आ गया ना, बट जो आपको ऑप्शन गिवन है वो सिंगल sin या cos में गिवन है, तो अपन एक काम करते हैं, और देखो इस फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है 2 अल्फा, बट इधर अल्फा आ रहा है ना, तो अपन पहले इसको ट्राई करेंगे अल्फा में लाने की, तो एक काम करो इसको 1/√2 से करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखो क्या गया, डिनोमिनेटर में √2 लिखना है और मल्टीप्लाई में √2 लिखना है, तो ये लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/√2 sin अल्फा माइनस 1/√2 cos अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे एक साथ लगाना है रूट टू के साथ, तो अब देखो सोल्व करने पे क्या आ गया, रूट टू का स्क्वायर तो सीधा 2 लिख दो आप, और इधर आए आप, ये साइन अल्फा है तो इधर 1/√2 को लिखो आप साइन पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, और इधर 1/√2 को लिखो कॉस पाई बाई 4, तो क्या बन गया देखो साइन पाई बाई 4 साइन अल्फा माइनस कॉस पाई बाई 4 कॉस अल्फा, तो किसका फॉर्मूला बन गया
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि माइनस है ना इसके अंदर, तो माइनस से स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो उसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो ये आ गया कॉस ए का मीनिंग अल्फा और बी का मीनिंग पाई बाई फोर, तो आ गया पाई बाई फोर प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस पाई बाई फोर, और बाद में लगाना है स्क्वायर, तो स्क्वायर को अपने इधर लगा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस अल्फा। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। तो बेटा यहां से भी आप थोड़ा सा, यहीं से भी आप थोड़ा सा, एक मेथड इसका ये भी रहता है कि इसको देखो वन माइनस साइन टू अल्फा लिख लो, तो साइन टू अल्फा को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे माइनस है तो उसको कॉस पाई बाई टू प्लस टू अल्फा, तो वन प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा हो जाएगा, तो उसमें फिर वन प्लस कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा के, तो वह फिर आपके यहाँ इसमें टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस अल्फा आंसर आ जाएगा, क्यों सर? ठीक ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th में देखो आपके पास में द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, देन वैल्यूज ऑफ द साइंस ऑफ द अक्यूट एंगल आर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मतलब इसमें ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो किसमें बेटा, समांतर श्रेणी में, तो इसके जो न्यून कोण है उनका साइन पूछा है। तो देखो मैं इसकी ट्राइंगल की साइड्स क्या लेट कर लेता हूं, देखो आपके राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है बेटा, तो सबसे बड़ी साइड तो इसकी क्या होगी, हाइपोटेनस हो गई, तो मैं इसकी साइड्स ये ए प्लस बी लेट कर लेता हूं, और ये सबसे छोटी है सपोज कर ये आपके पास में ए, ठीक है, तो ये किसमें एपी में है, मैंने एपी में लिया है, तो अब अपने को ये पता है ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वेयर किसके बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वेयर के सम के बराबर होगा, इसके वर्गों का योगफल क्या, इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो क्या आएगा a प्लस डी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें इसमें देखो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर, तो बेटा जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो यहां से, ठीक है, तो ये आपके पास में 4ad इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 4d के, तो आपके पास में साइड्स क्या हो गई, देखो ये आपके पास में 5d आ गया, तो ये 4d हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास में 3d हो गया। अब वो इन दोनों एंगल्स का साइन पूछ रहा है, अक्यूट एंगल तो यही हो गया ना, तो जब अपने इसका साइन लेंगे इस एंगल का, इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूं, इसको बीटा लेट करता हूं, तो साइन अल्फा किसके बराबर आएगा, ये आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आएगा, ठीक है, इसको मैं बीटा लेट कर लेता हूं, ये आपके पास में 3d, तो ये तो साइन बीटा किसके बराबर आएगा आपके पास में 3d अपॉन 5d, तो ये आपके पास में 3/5, तो ये इस त्रिभुज में आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण के साइन ले लिया मैंने, तो ये दो वैल्यूज आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म इन दी एपीज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, आपके पास टू एपीज गिवन है, तो इन दोनों एपीज का जो कॉमन टर्म है उन कॉमन टर्म में सबसे ग्रेटर टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करोगे, मतलब सिंपल सी बात क्या, सबसे पहले आप दोनों की कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करो, तो देखो इधर आओ, जो फर्स्ट एपी है वो फर्स्ट एपी क्या है 3, 7, 11, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 4। जब भी आपको टू एपीज में कॉमन टर्म लिखनी होगी तो सबसे पहले आप दोनों की फर्स्ट टू कॉमन टर्म को फाइंड आउट करो, तो 3, 7, 11 नेक्स्ट क्या होगी बोलो 15, 4, 4, फिर 19, 23, 27 बाद में अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म है 4, 0, 7। उसके बाद जो सेकेंड एपी है उसकी टर्म लिखो एक बार आप 2, 9, 16, इनका कॉमन डिफरेंस है 7, तो 23 आ गया, फिर 30 होगा, और फिर लास्ट में बोला गया है 7, 0, 9। तो देखो इन दोनों की जो कॉमन टर्म्स हैं वो कॉमन टर्म्स कौन कौन सी होंगी बोले सभी, फर्स्ट कॉमन टर्म होगी आपकी 23, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या बोलो 23। अब एक कंडीशन है वो थोड़ा याद रखें कि जब भी टू एपीज का आपको कॉमन टर्म फाइंड आउट करनी है तो देखो किस बात को ध्यान रखोगे, फर्स्ट जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस है d1 = 4, और जो सेकेंड एपी है उसका कॉमन डिफरेंस है d2 = 7। तो जो बेटा आपकी कॉमन एपी है उसकी सेकेंड टर्म, सिंपल सी बात ही ध्यान रखना कि जब टू एपी की कॉमन टर्म फाइंड आउट करोगे तो
तो जो कॉमन टर्म है ना वो भी आपकी ऑलवेज किसमें होंगी, एपी में, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी वन और डी टू के एलसीएम होगा, एलसीएम होगा उनका, क्या होगा इनका एलसीएम। तो फोर और सेवन का एलसीएम क्या होगा 28, इसका मीनिंग जब 23 में 28 ऐड करोगे तो वो आपको उसकी सेकंड टर्म मिलेगी 51। तो ये आपको पता चल गया कि जो कॉमन टर्म है वो क्या है 23, 51, अगली टर्म में 28 ऐड करो अप टू सो ऑन, और जो कॉमन टर्म की जो लास्ट टर्म है वो ऑलवेज क्या होगी 407 से लेस होगी। और आपको क्या करना है, कॉमन टर्म की ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं अपन, लेट करते हैं कि जो कॉमन टर्म है उसकी जो लास्ट टर्म है tn वो ऑलवेज क्या होगी tn लेस देन इक्वल 407, इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कॉमन टर्म 407 हो सकती है। tn का मीनिंग क्या होगा a प्लस n माइनस 1 टू d, a का मीनिंग क्या 23 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस आपका 28 लेस देन इक्वल टू 407। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो उससे n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो पहले 23 को शिफ्ट करो और बाद में 28 से डिवाइड करो, जब ये कार्यक्रम करोगे आपको क्या आएगा n लेस देन इक्वल टू ये 14 पॉइंट समथिंग के आसपास आने वाला है, वो आप देख लेने के बाद करके भाई 23 को राइट में शिफ्ट करो, 28 से डिवाइड करो और बाद में 1 उसमें ऐड करोगे आप, तो जो n होगा वो 14 पॉइंट समथिंग से लेस होगा। तो एक बात बताएं आप, कॉमन टर्म की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए n की कौन सी वैल्यू लोगे सबसे ग्रेटर, तो इससे जो n की ग्रेटर वैल्यू वो क्या होगी 14। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें टोटल 14 टर्म्स क्या होंगी कॉमन टर्म होंगी। तो आप क्या करना, T14 के फॉर्मूले से आप इसकी कॉमन टर्म की ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आएगा वो आप करके देख लेना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें 18th क्वेश्चन है जो, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट है कौन से डिजिट्स का 6 का, कितनी बार है n टाइम्स है, n टाइम दे रखा और उसका स्क्वायर किया हुआ है, प्लस यहां पे फिर आपके पास में डिजिट 8 लिखा हुआ है वो कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। तो देखो आप इसमें थोड़ा सा ये आपको पता होगा, अगर मैं इसकी आपको फिर वैल्यू पूछिए भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो इसमें एक सिंपल से मैं पहले आपको बताता हूं, जैसे 333 लिख दिया मैंने, तो इसको अपने देखो ऐसे 3 कॉमन लिखे तो यहां पे 111 आएगा, तो इसको 3/9 और यहां पे 999 ऐसे होगा, तो ये 3/9 एंड 10^3-1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे कितने 3 थे, तो 3 थे 10^3-1, तो सिमिलरली यहां पे कितने 6 है आपके पास में एन है बेटा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा फिर यहां पे 6/9 10^(n-1) होल स्क्वायर। तो ऐसे ही फिर बेटा इसमें आ जाएगा आपके पास में क्या आएगा 8/9 10^(n-1)। तो देखो ये रिलेशन फिर आपके पास में, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, तो देखो 6/9 10^(n-1) का होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर प्लस इधर आपके पास में 8/9 एंड 10^(n-1) इस फॉर्म में आ गया। अब यहां से आप देखो क्या करोगे, तो कुछ कॉमन निकल रहा होगा, देखो इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले अगर अपने थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया आपके पास में 2 और ये 3 इस फॉर्म में आ गया, तो ये 4/9 एंड 10^(n-1) होल स्क्वायर एंड 8/9 10^(n-1)। अब यहां से देखो आपके पास में 4/9 कॉमन है, ठीक है, और इसका आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2^(n-2) इंटू 10^(n-1) ये प्लस का 1 इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये 4/9 हमने कॉमन निकाल ली, यहां पे अपने पास में 2 बचेगा तो प्लस 2 × 10^(n-2), तो ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा इसमें 4/9 एंड 10^(2n-1) -1। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे बेटा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, गिवन ए कोमा बी कोमा सी आर पॉजिटिव इंटीजर, एबीसी आपके पॉजिटिव इंटीजर है फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग जीपी, एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है और इंक्रीजिंग जीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और एक कंडीशन है कि बी माइनस ए जे परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, बी माइनस ए एक इंटीजर का क्या परफेक्ट स्क्वायर, जैसे लेट 25, 16, 49 अप टू सो ऑन,
और एक कंडीशन गिवन है log 6 बेस a प्लस log 6 बेस b प्लस log 6 बेस c इक्वल टू 6, तो आपको a प्लस b प्लस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, इन सबका बेस सेम है तो बेस सेम हो तो log a प्लस log b प्लस log c को क्या लिख सकते हैं, log a b c, तो यह आ जाएगा log 6 बेस में इक्वल टू 6 और log को जब रिमूव करोगे इससे आ गया ABC इक्वल टू 6 की पावर 6, मतलब इस कंडीशन से ABC आ गया 6 की पावर 6। तो चलो इसको अपन साइड में ले देते हैं, ABC इक्वल टू 6 की पावर 6। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ABC आपकी जीपी में है, इंक्रीजिंग जीपी में, ABC किसमें बोलो इंक्रीजिंग जीपी में, तो आप जीपी की थ्री टर्म लेट कर दो, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये जीपी की लेट थ्री टर्म्स है। तो अपने काम करते हैं स्मॉल एबीसी की वैल्यू ए अपॉन आर, ए और ए आर इस एबीसी इक्वल टू 6 की पावर 6 में पुट करते हैं, तो इन एबीसी इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो आर तो कैंसिल, तो क्या आ गया बोलो ए की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर 6, इसका जब होल क्यूब हो गया 1/3 तो क्या आ गया ए इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36, मतलब इसमें जो आपकी सेकेंड टर्म भी है इसकी वैल्यू मिल चुकी है 36, तो सेकेंड टर्म तो आपके पास 36 है, तो आ गया ए अपॉन आर कोमा 36 कोमा यार। अब आपको ओनली आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करोगे, एक क्वेश्चन में कंडीशन है बी माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर का स्क्वायर, बी माइनस ए क्या है इंटीजर का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में बी का मीनिंग क्या है 36 माइनस ए, इसको आपको लाना है इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात बताओ ए और बी आपके पॉजिटिव है तो ए की ऐसी वैल्यू लो, पहली बार तो ए इंटीजर होना चाहिए और उसको पुट करने पे 36 माइनस ए आपका क्या आना चाहिए इंटीजर, तो ये आप जो पुट करोगे तो ए इसमें क्या पुट करना, देखो सिंपल सी बात क्या है, ये जो 36 माइनस ए है ए आपका पॉजिटिव है तो 36 माइनस ए की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 36 से लेस होगी क्योंकि ए जीरो तो नहीं सकता ना, तो 36 माइनस ए आपका जब 36 से लेस होगा तो उससे लेस इंटीजर कौन कौन से होंगे परफेक्ट स्क्वायर, 25 हो सकता है या 16 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, तो जब a इसमें आप क्या पुट करोगे 27, तो a को जब 27 पुट करोगे तो 36 माइनस 27 क्या आ गया 9 और 9 आपका क्या होगा बेटा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो a को जब इसमें 27 पुट करोगे तो कितना जाएगा 20 की वैल्यू निकालने में, हां इसमें आपको c की वैल्यू, ये सीधा a आ गया, a का मीनिंग a 27 है, तो सीधा a अपॉन r क्या आ गया 27, ये कैपिटल लेता है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए आपका 27 है, स्मॉल ए पता है स्मॉल बी पता है, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो उससे आर की वैल्यू मिलेगी, तो आपके पास तीनों टर्म पता चल जाएंगी, ए आपका 27 आ गया, बी आपका 36 आ गया और सी क्या आएगा 48 आ जाएगा, ठीक है ये सॉल्व कर लेना आप आराम से, ए आपको पता है बी पता है तो बी अपॉन ए करोगे तो उसे आर आ गया, उसको पुट कर देना इसमें, तीनों का सम आएगा 1 1 और जब इन तीनों का सम करोगे तो वो वैल्यू शायद 111 के इक्वल आती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेट पी क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स है ठीक है सच दैट, तो एक रिलेशन दे रखा है 27 पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब एंड 3p प्लस 4q प्लस 5r इज इक्वल टू 12, तो देन वैल्यू ऑफ दिस पी क्यू प्लस क्यू रेस्ट पावर 4 प्लस आर रेस्ट पावर 5 इसकी वैल्यू पूछी है आपको, तो इसमें देखो पी क्यू आर तो आपको पॉजिटिव रियल नंबर बता रखे हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो आपको एक ये रिलेशन दे रखा है ठीक है, इस रिलेशन से मैं AMGM का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, तो आपको ये इसको अपने देखेंगे पहले, तो देखें इस रिलेशन को मैं लिखता हूं 27 पी क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब, अब मैं ये क्यूब इधर लाऊंगा तो ये 1/3 आएगा, इसका क्यूब रूट आएगा, तो क्यूब रूट जब इसका लेंगे तो 3pqr होल पावर 1/3 सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, क्लियर है, सो दिस बी पी क्यू r whole power 1/3 is greater than equal to p plus q plus r upon 3, clear है? अब अपने पास में ये पता है कि भी ये मैं इसको equation number 1 ले लेता हूं, ठीक है, अब p q r क्या आपके पास में positive real numbers हैं, तो इनका जो आपके पास में am होगा that will be
greater than equal to their geometric mean. So p plus q plus r upon 3 is greater than equal to p q r whole power 1 upon 3. So equation 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखो आपके पास में क्या कंक्लूजन निकलता है. अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों से ये कंक्लूजन निकलता है कि x इज इक्वल टू 7 आएगा. क्लियर है? तो यहां पे इक्वलिटी दे रखी है ना, तो इसमें देखो ऐसा है p + q + r / 3 क्या लेस देन इससे है और फिर वो इससे बड़ी भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट टू बी कंक्लूड. तो यहां से दोनों से आपके पास में कंक्लूजन क्या निकला, p + q + r अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू आर का ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा. जब आपको पता है एम जी एम के बराबर होता है जब, तो फिर इसमें रिलेशन क्या आ गया, जब व्हेन एम इज इक्वल टू जी एम आता है तो एम इज इक्वल टू जी एम, तो इसका मतलब दिस इंप्लाई पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर. क्लियर है? तीन नंबर का एम और जी एम आपस में बराबर है, तो पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर. तो अब आपके पास में इस रिलेशन को यूज करें, तो इसमें देखो मैं पी की जगह देखो क्यू की जगह क्या रखूंगा, पी, इसमें आर की जगह भी पी रखूंगा, तो ये 12 पी बन जाएगा. तो 12 पी इज इक्वल टू वी है तो 12, तो पी इज इक्वल टू 1. तो पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास में तीनों की वैल्यूज क्या आ गई, 1 आ गई. तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहां पर 1 1 1, सो दैट इज 3. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है बेटा.